हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि एक अच्छा और इफेक्टिव रिज्यूम कैसे बनाया जाता है और इसमें क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो इंक्लूड होना जरूरी है। मैं कुछ आप लोगों को यहाँ पर सैंपल्स भी दिखाऊंगी रिज्यूम्स के, और बेसिक पॉइंट्स जो एक रिज्यूम में होना जरूरी है वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जब भी आप अपना रिज्यूमे तैयार करते हैं तो इन चीजों को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको एक ही चैनल पर मिलने वाली है, वो है आपका अपना चैनल मैनेजमेंट मंत्रा बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखो, बिफोर स्टार्टिंग, जब आपने सोच लिया है कि यार मुझे अब रिज्यूमे तैयार करना है, तो उसके लिए ना कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, कुछ मटेरियल आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप अपना सही तरीके से रिज्यूम जो है वो अच्छे से तैयार कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप ना क्या करो कि जितनी भी आपका प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन है ना, जो भी आपकी प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन है, उस प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन को सबसे पहले कलेक्ट कर लीजिए। मतलब यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि आपको रिज्यूम्स तैयार करने के पहले कुछ डेटा रिक्वायर्ड रहता है, तो उस डेटा के बारे में हम बात कर रहे हैं। प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन आप पहले सारा कुछ कलेक्ट कर लीजिए। फिर इसके बाद जो भी आपका एजुकेशन डिटेल्स है, उन एजुकेशन डिटेल्स को आप यहाँ पर कलेक्ट कर लीजिए। फिर इसके बाद जो भी आपको अवार्ड्स मिले हैं, ठीक है ना, जो भी आपको अवार्ड मिले हैं, कुछ ऑनर्स मिले होंगे है ना, जो आपने रिसीव किए हैं वो आप कीजिए। कोई भी जो फर्दर वर्क अगर आपने किया है, कोई स्किल या कोई ट्रेनिंग आपने की हुई है, कोई कोर्स किया हुआ है, तो उस कोर्स के लिए सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास कलेक्ट करके रख लीजिए, है ना। यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़े, ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही आपके पास होनी चाहिए। फिर जो भी आपका प्रीवियस जो आपका वर्क रहा है, उस वर्क का जॉब डिटेल है ना, जो प्रीवियस वर्क है उस वर्क की जॉब डिटेल जो है वो आप पूरी अपने पास रख लीजिए, है ना। इसके अलावा जो भी जॉब डिस्क्रिप्शंस आपके पास है वो आप अपने पास रख लीजिए। अब इसके बाद जो फॉर्मेट आपको पसंद है, बहुत सारे फॉर्मेट्स मौजूद हैं, आप देखेंगे इंटरनेट पर मिल जाएंगे। तो जो फॉर्मेट आपको लगता है, जो टेम्पलेट आपको लगता है कि यस दिस इज क्वाइट यूनिक लुकिंग गुड, ये देखकर मुझे अच्छा लग रहा है, तो ये सोच के आप एक कोई भी दो चार चूज कर लीजिए। फिर ये देखिए कि जो आपने फॉर्मेट चूज किया हुआ है, क्या जब इंटरव्यूअर उसको देखेगा तो क्या उसको एक बार में ही समझ में आ जाएगा देखकर कि यस ये बंदे में कोई बात है ना। तो ये चीज सोचते हुए आप एक कोई भी फॉर्मेट चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है जब आपने फॉर्मेट चूज कर लिया है, क्योंकि ये तो आपको पता ही है ना कि रिज्यूम्स आप नहीं जाते हो सामने वाले के सामने, जो जाता है दैट इज योर रिज्यूमे, आपका रिज्यूमे उनके पास जाता है और उसको देखकर ही वो ये डिसाइड करते हैं कि ये जो पर्सन है ये मेरी कंपनी में आने लायक है या नहीं है। और ये देखने के लिए उनको हार्डली 5 सेकेंड्स लगते हैं, जस्ट रिज्यूमे आपने देखा उन्होंने और डिसाइड कर लिया कि यस इसको मुझे इन करना है या आउट करना है। तो इसलिए इसको हमें इस तरह से डिजाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी आपकी हाइलाइट्स हैं वो सारी की सारी इस रिज्यूमे में मेंशन हो जाए, जिसे वो 5 सेकेंड जो है वो आपको पिक कर ले, आपको रिजेक्ट ना करे, है ना। इस तरह से हमको इसको तैयार करना है। आपके अंदर कैपेबिलिटीज बहुत है, आपके अंदर टैलेंट बहुत है, लेकिन हमको यहाँ रिज्यूमे में भी इस तरह से उसको शो करना पड़ेगा जिससे कि आप पिक हो जाए। सबसे पहली चीज यही है ना, आपको वहां तक पहुंचना। तो इसलिए आई कैचिंग होना चाहिए, आपका ये जो डॉक्यूमेंट है वो आई कैचिंग होना चाहिए। आपकी जो स्किल्स है, आपकी जो प्रोफिशिएंसी है, वो बिल्कुल हाईलाइटेड होनी चाहिए फ्रंट पेज पर ही। ठीक है, तो अब क्या करना है वो हम देखते हैं। चलिए, तो अब देखो जो हमको करना है, ये तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये डिटेल आपने कलेक्ट कर ली। अब जो आप रिज्यूमे तैयार करने वाले हैं उसमें कुछ सेक्शंस होते हैं, उन सेक्शंस को ध्यान में रखना इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे पहली चीज होती है कि जो फॉर्मेट आपने चूज किया है, जैसे मेरे पास यहाँ पर कुछ फॉर्मेट्स हैं वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, जैसे अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से चूज किए हुए हैं। जैसे किसी ने इस तरह से चूज कर लिया है कि भाई एक ही पेज पर यहाँ पर एजुकेशन स्किल सर्टिफिकेट वर्क एक्सपीरियंस आ गया है ना, यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर देख लिया सर्विस एक्सपीरियंस आ गया है, अचीवमेंट्स स्किल्स जो भी कोर्सेज किए हैं वो, एजुकेशन पैशंस ईच एंड एवरीथिंग जो है वो एक ही पेज पर इन्होंने शो कर दिया विथ फोटो इन्होंने लगाया है। तो फोटो जो है वो कंपलसरी नहीं है, आप चाहें तो लगा सकते हैं चाहें तो नहीं लगाएं, अपनी कंट्री में इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो।
तो इस तरह से काफी सारे फॉर्मेट्स आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए, एक ये फॉर्मेट है, आप इनमें से कोई भी एक फॉर्मेट आप चूज कर सकते हो। इसके अलावा चाहे तो कुछ सिंपल फॉर्मेट्स भी आप चूज कर सकते हो। इन सभी फॉर्मेट्स में एक चीज आपने देखी, स्टार्टिंग जो है वो इन्होंने अपने नाम से की हुई है, इसके बाद करियर ऑब्जेक्टिव्स लगाया हुआ है। देखिए सभी जगह आप देखोगे नाम और ऑब्जेक्टिव्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये देखिए, ये इन्होंने यहाँ पर इसको सर्विस के समरी के फॉर्म में यहाँ पर लगा दिया, ऑब्जेक्टिव मेंशन नहीं किया है। बट अगर आप बिल्कुल अभी बिल्कुल जॉब के लिए एंटर कर रहे हैं, तो आई मस्ट से कि एक ऑब्जेक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ना एक तरह से हाईलाइट करता है आपका कि आप क्या चाहते हो, है ना। तो वो है, ये जैसे देखो ये एक सिंपल सा बना हुआ है, तो ये सिंपल सा रिज्यूमे है, इसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर्स हैं तो उस केस में आप इस तरह के रिज्यूम्स को डाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो अभी क्या करना है हमको यहाँ पर, ये जितना भी डेटा मैंने लिया हुआ है जस्ट फॉर द रेफरेंस, रेफरेंस के लिए लिया हुआ है गूगल से। तो अब देखो ये यहाँ पर हमको, जब आप तैयार करेंगे ना अपना रिज्यूमे, तो सबसे पहली जो पॉइंट है दैट इज योर नेम। सबसे पहले आप अपना नेम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या ऐड करेंगे, अपना नेम ऐड करेंगे। नेम के नीचे ही आप अपना डेजिग्नेशन जो है उसको आप लिखेंगे, साथ ही साथ आपकी जो क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन को आप मेंशन करेंगे। ठीक है, वो क्वालिफिकेशन आप मेंशन कर देंगे। ओके, इतना कर दिया आपने, और साथ ही साथ अपना ईमेल एड्रेस, और सम टाइम कई कई जगहों पर आप अपना जो अभी रेसिडेंट एड्रेस है उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये चीजें जो है ये आपको अपने नाम के साथ मेंशन करनी है। फॉर्मेट आप चाहे जो चूज करें, आप सेंटर वाला फॉर्मेट चूज कर रहे हैं तो यहीं पर सारी चीजें मेंशन कर देंगे, और अगर आप साइड वाला फॉर्मेट चूज कर रहे हैं तो यहाँ पर आप सारी चीजें मेंशन कर देंगे। इसके बाद जो सेकेंड पॉइंट आता है दैट इज योर ऑब्जेक्टिव, दैट इज योर करियर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो अब करियर ऑब्जेक्टिव में आपको क्या करना है ना, जो करियर ऑब्जेक्टिव आप चूज करेंगे उसमें आपको क्या करना है कि करियर ऑब्जेक्टिव में आपको ऐसा ऑब्जेक्टिव चूज करना है जो आपको प्रेजेंट और फ्यूचर की परस्पेक्टिव से शो हो, यानी कि आप क्यों ये जॉब लेना चाह रहे हो। लाइक अगर आप टीचिंग फील्ड को बिलोंग करते हैं तो आप उस तरह का लेंगे, आप अगर किसी प्रोफेशनल, लाइक अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड को बिलोंग करते हैं, आप मेडिकल फील्ड को बिलोंग करते हैं, तो आप उस तरह का अपना करियर ऑब्जेक्टिव जो है वो चूज करेंगे, उस तरह की लैंग्वेज उसमें आप यूज करेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट फिर आता है आपका, जो आपको इसमें ऐड करना है दैट इज, अगर आपका एक रिज्यू लाइक आपका एक्सपीरियंस है ऑलरेडी, तो आप एक समरी टाइप से यानी कि सिनॉप्सिस आप ऐड कर सकते हैं। उस सिनॉप्सिस में आप वो सारी चीजें हाईलाइट करके डाल सकते हैं कि लाइक अभी आपने कितना साल का आपको एक्सपीरियंस हो चुका है, करंटली आप किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, क्या क्या स्पेशल क्वालिटीज आपके अंदर मौजूद हैं, वो सारी चीजें आप शॉर्ट में लिखकर डाल सकते हैं। तो पूरा बड़ा रिज्यूम पढ़ने की जगह यही एक हाईलाइटेड पॉइंट हो जाता है, जिससे उसे आइडिया लग जाता है कि आपके अंदर क्या क्या कैपेबिलिटीज मौजूद हैं। ठीक है, तो किस चीज का आपका एक्सपीरियंस है ना, कितने साल का एक्सपीरियंस है, क्या अलग क्वालिटी आपके अंदर है, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन मेंशन हियर। एक कम से कम 5 से 7 लाइन का आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर है तो फ्रेशर है तो उस केस में आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि आपने कौन से प्रोजेक्ट्स किए, उस प्रोजेक्ट्स में क्या स्किल्स यूज की थी आपने, और अभी करंट में आप क्या कर रहे हैं। तो इतनी चीजें डाल ली आपने, फिर इसके बाद आप डालेंगे करियर हाईलाइट। ठीक है, आप अपने करियर्स की हाईलाइट्स को मेंशन करेंगे। तो करियर हाईलाइट्स में आप जो भी आप लोगों की जितना भी अभी तक आपने जॉब किया है, यानी कि आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है, वो वर्क एक्सपीरियंस आप यहाँ पर मेंशन करेंगे विथ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपने क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बेयर कर सकते हो वो सारी की सारी यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप यहाँ पर बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप बताते हैं, वो है आपका एक्स्ट्रा जो भी आपने काम किया हुआ है। लाइक आपने कोई प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं तो उन प्रोजेक्ट की डिटेल जॉब के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। जैसे टीचिंग जॉब में अगर आपने रिसर्च पेपर लिखे तो रिसर्च पेपर की डिटेल बताएंगे। आपने अगर किसी पर्टिकुलर फील्ड में जो काम किए हुए हैं तो उसकी जो प्रोजेक्ट्स आपने किए होंगे तो उस प्रोजेक्ट्स की डिटेल आप बताएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं अपना। फिर इसके बाद आप बताएंगे जो भी आपका एक्स्ट्रा करिकुलम, जो भी आपको एक्स्ट्रा आपकी क्वालिटीज हैं, लाइक आप किसी पर्टिकुलर, ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ और सिर्फ काम 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 में ही रहते होंगे, कुछ तो अलग किया होगा आपने, तो किस किस चीज में आपको
आपने कोई सर्टिफिकेट या गेन किया है, या कोई भी आपने कुछ नया अगर गेन किया हुआ है, कोई कोर्स आपने किया हुआ है, कोई स्किल्स आपके अंदर है, तो वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर बताएंगे आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस में आप अपना जो पर्टिकुलर है, लाइक अगर आपके पास अलग से है, जैसे कि PhD हो गया, UGC नेट आपने अगर क्लियर किया है, नीट क्लियर किया हुआ है, या कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम आपने क्लियर किया हुआ है, उसकी डिटेल आप यहाँ पर दे सकते हैं। और साथ ही साथ आपका जो MBA, MCOM या मास्टर जो है, उसकी डिटेल आप यहाँ पर दे सकते हैं, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। प्रोफेशनल के बाद आप यहाँ पर बताते हैं नेक्स्ट जो आएगा, दैट इज योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो एकेडमिक में आप अपना जो है वो 10th 12th और जो आपका ग्रेजुएशन है, उस ग्रेजुएशन की डिटेल आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिर आपका आता है यहाँ पर जो भी आपको प्रोफिशिएंसी, जैसे कि अगर देखा जाए किसी किसी फील्ड में, एग्जांपल के लिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी रिक्वायर्ड होती है, तो आप यहाँ पर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का एक अलग से कॉलम बनाकर क्या क्या आप उसमें कर सकते हो, उसकी डिटेल आप मेंशन कर सकते हैं। या कोई पर्टिकुलर कोर्स अगर आपने किया हुआ है, तो उसके बारे में भी आप यहाँ पर भी बता सकते हैं, मतलब कुछ भी आपको हाईलाइट करना है जो आप बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपका आता है पर्सनल डिटेल। तो पर्सनल डिटेल आप बताएंगे, तो पर्सनल डिटेल में आपको इम्पोर्टेंट है कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, अपने फादर का नेम, मदर का नेम, है ना, और मैरिड है तो हस्बैंड का नेम, और इसके साथ ही साथ आपका जेंडर, आपकी नेशनैलिटी, है ना, और इसके साथ आपको लैंग्वेज कौन कौन सी आती है वो, आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या है वो आप यहाँ पर शो करेंगे, आपकी हॉबीज क्या क्या है वो हॉबीज आप यहाँ पर शो करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आप पर्सनल डिटेल्स में बता सकते हैं। इसके साथ लास्ट में आप पे मेंशन करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द डिक्लेरेशन। ये डिक्लेरेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेस पर ये होगा कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है वो बिल्कुल सही है, और लास्ट में आप अपना जो है वो नाम लिखकर साइन जो है वो कर देंगे। इस तरह से एक पूरा रिज्यूमे का मटेरियल जो है वो तैयार किया जाता है, इस तरह की चीजें वहां पर मेंशन की जाती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस तरह से अगर चीजों को वन बाय वन लिखकर मेंशन करते हैं, तो एक अच्छा खासा रिज्यूम आपका तैयार हो जाएगा, और जो आपके करियर को बूस्ट करने में बहुत आपकी मदद कर सकता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये था मेरी तरफ से आज का एक छोटा सा सेशन, जिसमें मुझे आप लोगों को बताना था कि आप कैसे अपने एक रिज्यूम को तैयार कर सकते हैं, एंड तैयार करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, अगर आप टीचर के लिए कर रहे हैं, टीचिंग प्रोफेशन के लिए जा रहे हैं, तो आपको एक तो क्रोनोलॉजिकल, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट आपको यूज करना है, ये बेसिकली सभी जगह होता है। कंटेंट्स में टीचिंग स्किल्स एक्सपीरियंस को आपको हाईलाइट करना पड़ेगा। एजुकेशन में आपने क्या क्या यूनिवर्सिटीज की डिग्री और स्पेशलाइजेशन सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग्स हैं वो सब आपको बताने पड़ेंगे। टीचिंग स्किल्स में आप लोगों को कौन कौन से लेसन की प्लानिंग, लाइक क्या क्या करना है आपको, तो हार्ड स्किल्स लाइक लेसन प्लानिंग, क्लासरूम मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन कैसे करते हैं वो सब आपको यहाँ पर मैंशन करना पड़ेगा। सॉफ्ट स्किल्स में आप क्या क्या कर सकते हो, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग, ओपन माइंडेड, ये सारी चीजें आप बताएंगे जो भी आपके अंदर मौजूद है। कंप्यूटर स्किल्स बताएंगे कि आप टेक्नोलॉजी को कैसे कंप्यूटर्स में ला सकते हैं, और एक्स्ट्रा सेशंस जो भी आपने एक्स्ट्रा वर्क किया हुआ है तो वो आप यहाँ पर शो करेंगे। तो इस तरह से आप अपने किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में आप बिलोंग करते हैं, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर आप चीजें मेंशन कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो। तो अपने अपने रिज्यूमे अच्छे से तैयार कर लीजिए, बिकॉज ये एक तरह से फर्स्ट इम्प्रेशन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपका, जब रिज्यूम जाता है उसके लिए, उसी के बेस पर वो डिसाइड करते हैं कि आपको इन करना है या नहीं करना है, तो इसलिए रिज्यूम तैयार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो थैंक यू सो मच, कीप स्टडी हार्ड एंड स्मार्ट। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।